भड़वा दल्ला कटवा मुल्ला उग्रवादी। कुंवर दानिश को गाली दी जाती, ओ दानिश तू कुत्ता है। पूरे मुस्लिम समाज को कटवा बोला, भड़वा बोला, उग्रवादी है, उग्रवादी हो, उग्रवादी हो। और साथ ही मेढक टर 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 कर रहे हैं, और उस पार्लियामेंट में कर रहे हैं जिसको संविधान का मंदिर कहा जाता है। इस्लामिक स्कॉलर बोलते तो आज मुसलमानों की स्थिति ये ना होती। आपने अपनी कौम का मजाक उड़वा दिया दानिश अली साहब, आपको क्या जरूरत पड़ी थी रोने की? दानी बोले, जिहादी बोले, तो आप नहीं रोएंगे? मैं क्यों रोऊंगी? क्या करेंगे फिर? मैं तो उनको लीमू की तरह निचोड़ कर आऊंगी। इस दानिश अली को हमने गालियां दी, इसकी कम्युनिटी को गालियां दी, ये आराम से चला गया और रो रहा, मुझे रात को नींद नहीं आई। ओ गेंडे, गेंडे को गेंडा नहीं कहेंगे, नफरती चिंटू को नफरती चिंटू नहीं कहेंगे, एक आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहेंगे, एक बलात्कारी को बलात्कारी नहीं कहेंगे। तो भगवा गेंडे बता तुझे क्या कहेंगे? इतने दो साल अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की का बलात्कार करा, तुम लोगों के साथ ट्रेस दिए, माइक उठा पत्रकार बन गए। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को प्रमोशन दिया जाता है। जिस तरह से बीजेपी सांसद ने एक मुस्लिम सांसद दानिश अली के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, उसको मुल्ला कटुआ पता नहीं क्या क्या कहा गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमन रिजवी है। मैम, किस तरह से देख रही, जैसे उन्होंने एक मुसलमान सांसद को जिस तरह से लोग बाहर कहते हैं वो सांसद के अंदर बोल रहे हैं? देखिए, ये चीज़ें तो पहले ही से नज़र आ रही थी, और लगातार जिस तरह 10 साल से मुसलमानों के ऊपर एक तरह का काम करा जा रहा है, उनकी नफ़रत के ख़िलाफ़, उनकी मस्जिदों के ख़िलाफ़, उनके हिजाब के ख़िलाफ़, तो ये तो होना ही था, क्योंकि सड़कों पे नफ़रत इतनी बढ़ चुकी थी। एंड ऑफ द डे वो जो नफ़रत थी वो पार्लियामेंट में आनी थी, और आई गई और एक प्री प्लान लाई गई। लेकिन जिस तरह आप जिनको शब्द कह रहे हैं हम उनको गाली कहते हैं, भड़वा दल्ला कटवा मुल्ला उग्रवादी, ये हमारे यहाँ शब्द नहीं बोले, हम इनको गाली कहते हैं, शायद आपके यहाँ शब्द होते होंगे वो। लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ कुंवर दानिश को गाली दी जाती, ओ दानिश तू कुत्ता है, चलो समझ में आती, दानिश को दी गई है ना, ओ दानिश तू भड़वा है, चलो समझ में आती। लेकिन उन्होंने तो पूरी, जिस तरह उसने पद्दू सिंह पदौड़ी में उसको कह रही हूँ, उसने जिस तरह पूरे मुस्लिम समाज को कटवा बोला, भड़वा बोला, उग्रवादी है, उग्रवादी हो, उग्रवादी हो, हमें उग्रवादी बोला, यानी जिस देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा गर्दनें मुस्लिम समाज ने गंवाई और 0/0 इन संघियों ने गंवाया, आज ये तमाम के तमाम बरसाती मेढक टर 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 कर रहे हैं, और उस पार्लियामेंट में कर रहे हैं जिसको संविधान का मंदिर कहा जाता है। लेकिन कहा ही जाता है, ये मंदिर मानते नहीं हैं, ना ये महिला का सम्मान करते हैं। जो देश में सबसे ऊंचे मकाम पर हमारी एक महिला बैठी हुई है, जो हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको पार्लियामेंट के अंदर नहीं लेके जाया जाता कि वो बेवा है, वो विधवा है, वहाँ अपशगुन होगा। लेकिन मैम, आप कह रही कि मुस्लिम समाज को गाली दिया गया, इस देश में 40 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहे, लेकिन कोई ना कोई नेता बोलने को तैयार है, ना आम जनता सड़कों पर उतरने को तैयार है। देखिए, अगर मुसलमानों के क्या नाम है रहनुमा होते और रहनुमा बोलते, इस्लामिक स्कॉलर बोलते, तो आज मुसलमानों की स्थिति ये ना होती, ना तो नू मेवात बनाया जाता, ना आप ये देखिए दिल्ली दंगे होते, ना उत्तर प्रदेश में जितने राइट हैं वो होते। जिस तरह 75 सालों में मुसलमान ने पिट रहा था और पिट रहा है, 75 सालों से हम पिटते ही चले आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश की सरकार रही हो, चाहे बिहार में जिसकी भी सरकार रही हो, मुसलमान को अगर आप इतिहास उठा कर देखें, हर पार्टी ने, हर कम्युनिटी ने मारा है और मार रही है। लेकिन 10 साल से जो हमें मारा जा रहा है वो हमारे धर्म के आधार पर मारा जा रहा है, हमें मारा भी जा रहा है, हमारी मस्जिद को गाली भी दी जा रही है, हमारी टोपी को, हमारी दाढ़ी को, हमारे कुरान को, हमारे इस्लाम को, हमारे हिजाब को, हमारी पहचान को, हमारी नागरिकता को जिस तरह गाली दी जा रही है वो इन 10 सालों में हुआ। लेकिन कुंवर दानिश साहब, अगर आप वाकई एक सच्चे मुसलमान थे और चुने हुए सांसद थे, जब आपको गाली दी जा रही थी, मैं तो यकीन ही नहीं करती कि हिंदुस्तान का कोई मर्द गाली ना देना जानता हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी चीज दे लेती हूँ, लेकिन अगर आपको गाली दी गई थी, 4 दी गई थी, 8 आप देते, आपके पास चप्पल था, आप चप्पल लेके मारते, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में कोई किसी के साथ हाथापाई कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो उस पर कोई केस तो होता नहीं है। वो तो रो रहे हैं, कह रहे हमारे दिमाग का नस फटा जा रहा है, तो फटा तो नहीं ना, फटने के बाद बात करो ना। आप पार्लियामेंट में आराम से खड़े हुए हैं, आप वहीं पर अटवाई खटवाई लेके पड़ जाते, आप संजय सिंह से सबक लेते, संजय सिंह चुने हुए सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, जब भी उनके साथ कुछ इस तरह की हरकत होती है उन्हें गाली नहीं दी जाती, जब भी उनको स्पीकर कहते हैं कि आपको स्थगित कर दिया इतने दिन के लिए, इतनी उसके लिए, तो पार्लियामेंट के बाहर पूरा का पूरा जमावड़ा डाले थे, तंबू लेकर गाड़ दे। आप ये देखिए कि इनके जो ये जो कुंवर दानिश अली साहब हैं, शायद इनको लोग कहते हैं कि जामिया से पास आउट हैं, तो इनके दहेज में पूरे के पूरे जामिया के साथ 700-800 लोग हैं जो इनके दहेज में हैं। किसी से बात करो, हम कुंवर दानिश अली के भाई हैं, हम बहन हैं, हम जीजा हैं, हम फूफा हैं, तो तुम्हारे जो दहेज में फ्री में मिले हुए रिश्तेदार हैं वो क्यों नहीं गए, क्यों नहीं पार्लियामेंट का घिराव करा, तुम पार्लियामेंट से निकल के बाहर कैसे आए, बाहर भी आ गए तो बाहर ही बैठ जाते, सड़क पे बैठ जाते, तुम उस पद्दू सिंह पदौड़ी से बोलते, ओ तूने मुझे गाली दी, निकाल बंदूक, गोली भी दे दे, मार मुझे गोली।
कह तो रहे कि आप रिजाइन कर देंगे अगर कार्रवाई नहीं होगी। अब क्यों, 4 दिन हो चुके भाई, अब क्यों रिजाइन करेंगे? आपको तो हाथ के हाथ रिजाइन करना था, और फिर आप अपनी कौम को बदनाम कर रहे थे, आपने अपनी कौम का मजाक उड़वा दिया। दानिश अली साहब, आपको क्या जरूरत पड़ी थी रोने की? आप औरत थे, आप औरत भी नहीं रोती, औरत भी रुलाती है, चाहे बहू बन के रुला, चाहे बीवी बन के रुला, चाहे सास बन के रुला, चाहे नेता बन के रुला, औरत भी रुलाती है। अगर आपको कोई पाकिस्तानी बोले, जिहादी बोले, तो आप नहीं रोएंगे? मैं क्यों रोऊंगी? क्या करेंगे फिर? मैं तो उनको लींबू की तरह निचोड़ कर आऊंगी। मुझे सब बोलते हैं जा मुन्नी पाकिस्तान जा, मैं तो उन सबको बताती हूँ, सबको पाकिस्तान के वीजा कटवाती हूँ कि तुम जाओ गुफाओं की नाजायज पैदाश हो, तुम जाओ गुफाओं में, क्योंकि देश हमारा है, हमने कुर्बानियां दी, और हम हिंदुस्तान की वाहिद कम्युनिटी ऐसे हैं जो भारत की मिट्टी से पैदा होके भारत की मिट्टी में समा जाते हैं। तो हमसे देशभक्ति का तुम इम्तहान ले रहे हो? तो दानिश अली ने रोकर ये साबित करा कि भारत की 40 करोड़ मुस्लिम आबादी जो है वो डरपोक है, वो बुजदिल है, और ये रहनुमा रहबर बनने लायक नहीं है। अगर वाकई में गैरत है तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए था, और इनको वाकई अपनी जिंदगी को एक तरह से पॉलिटिक्स से अलग कर लेना चाहिए था। बीजेपी सांसद ये आरोप लगा रहे कि दानिश अली बदतमीज, उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया, इसलिए भी धोनी ने ऐसा बात कही। देखिए वो तो उनको तो पता है ना, उन्होंने तो देखा कि तेल और तेल की धार देखी, उन्होंने देखा होए इस दानिश अली को हमने गालियां दी, इसकी कम्युनिटी को गालियां दी, ये आराम से चला गया और रो रहा मुझे रात को नींद नहीं आई। मतलब वो देख रहे कितना कमजोर है, ये तो कोई एक्शन नहीं ले रहा, 40 करोड़ लोग इसके साथ खड़े नहीं, लोग जा रहे हैं इसके साथ सेल्फियां खिंचवा कर आ रहे हैं, जैसे कोई पद्मश्री लेकर आया है। मतलब ऐसे जाके लोग सेल्फियां खिंचवा कर आ रहे हैं इसके साथ, जैसे पद्मश्री लेकर आया है। तो लोगों ने देख लिया, नफरती चिंटों ने देख लिया कि लोग इसको उल्टा हीरो समझ रहे हैं, इसके साथ फोटो खिंचवा के वायरल कर रहे हैं। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि हमने इसको इसलिए गाली दी क्योंकि इसने हमारे प्रधानमंत्री को गाली दी, तो इल्जाम लग रहा है वो तो। लेकिन सुरेश चौहान कह रहे हैं कि जो कटुआ सो कटुआ नहीं कहेंगे, मुल्ला है तो मुल्ला नहीं कहेंगे, जो भारत माता की जय है उसे आतंकवादी नहीं कहेंगे, तो फिर कहेंगे तो क्या कहेंगे? ओ गेंडे, गेंडे को गेंडा नहीं कहेंगे, नफरती चिंटू को नफरती चिंटू नहीं कहेंगे, एक आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहेंगे, एक बलात्कारी को बलात्कारी नहीं कहेंगे, तो भगवा गेंडे बता तुझे क्या कहेंगे? तो बलात्कारी है, देशभक्त है वो लोग। आप ही तो कह रहे हो ना, मैंने कहा तुम जैसे लोगों ने उसको देशभक्त बनाया, वो बलात्कारी है। उसके ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, लगातार 2 साल तक उसके साथ बलात्कार करा, जब वो प्रेग्नेंट हो गई फिर उसको उसने शादीवादी करी, क्या करा, किडनैप करा, उसका अबॉर्शन करा। ये इस भगवा गेंडे की बात बता रही हूँ, ये जर्नलिस्ट नहीं, ये एक भगवा गेंडे है, नफरती चिंटू है, नाले की पैदाइश है। ये लोग वो है जो देश को बांटना चाहते हैं, तीर त्रिशूल तलवार पर हुकूमत चला रहे हैं और मुसलमानों को गालियां देते हैं। इन जैसे लोगों को तो सुबह शाम चप्पलें पड़नी चाहिए और इनके चैनल को फूंक देना चाहिए। बड़ा आरोप लगा रही है, आप पे केस भी हो सकता है। आप कह रहे हो आरोप, भैया मैं तो सिद्ध कर रही हूँ, उसने 2 साल अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की का बलात्कार करा, तुम लोगों के साथ ट्रेजडी है, माइक उठाकर पत्रकार बन गए, स्टडी करा करो, व्हाट्सएप से निकलो, व्हाट्सएप के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, गूगल बहुत बड़ा है, जहाँ पर तमाम इंक्वायरी पड़ी रहती है। व्हाट्सएप ज्ञानी मत बनो मेरे भाई, पढ़ा करो, पत्रकार माइक पकड़ के नहीं बनता, पत्रकार स्टडी से बनता है, फैक्ट से बनता है। भिदूरी उस पर कुछ कार्रवाई वगैरह होगी या फिर ऐसे ही चले जाएगा? उसको तो अरे कार्रवाई होगी, अरे इनके बलात्कारियों को संस्कारी बताया जाता है, इन आतंकवाद देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को प्रमोशन दिया जाता है, इसको प्रमोशन मिलेगा या तो दिल्ली का इसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए इसका फेस दिया जाएगा, या हो सकता है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ ये पालतू कुत्ता दूं मिलाता वो चले। चलिए आपसे आखिरी सवाल, अगर दानिश अली ये वीडियो देख रहा है तो आप क्या मैसेज देंगे? आप देखिए मैं तो उन्हें कोई मैसेज दूंगी नहीं, कि मैसेज उन लोगों को दिया जाता है जो वाकई अकले शऊर लगते हैं। मैंने तो सुना था कि दानिश का मतलब होता है अकलमंद। आपने पार्लियामेंट में गाली खाई, आपने कोई रिएक्शन नहीं करा, आप चप्पल मार सकते थे, आपने चप्पल नहीं मारा, चलो आपके दिमाग के सारे फ्यूज उड़ गए थे, आप पार्लियामेंट में बैठ जाते, आपको घसीट के बाहर लेकर आते, आप बाहर बैठ जाते, आप अपने दहेज में मिले हुए लोगों को पहले बुलाते, उसके बाद पूरी कौम आपके साथ आती, उसके बाद आप कहते हैं धिक्कार है ऐसी सांसद पे, अगर ऐसी लानत मारता हूं मैं इस एमपी शिप पर जो मेरी कौम को गाली दिलाए, मुझे नहीं रहना एमपी, फिर आप एमपी पद से रिजाइन देते। आप देखिए खुदा की कसम ये 40 करोड़ मुसलमान आपको सर पे लेकर घूमते। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी सोशल एक्टिविस्ट एमएन रिजवी। तो आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।